नमस्कार, kalchul.com के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूजी के टोस्ट बनाना बताऊंगी। सूजी के टोस्ट को लोग वेज ऑमलेट या ब्रेड पिज्जा भी कहते हैं और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, इसलिए आप इसे सुबह बच्चों के टिफिन के लिए या फिर नाश्ते के लिए बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। सूजी के टोस्ट बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो इस तरह से है। 1 कटोरी ताजी मलाई, अगर मलाई नहीं हो तो आप फ्रेश क्रीम ले सकते हैं। 2 बड़े चम्मच सूजी, 1 मध्यम आकार का टमाटर बारीक बारीक काटा हुआ, आधा शिमला मिर्च बारीक काटा हुआ, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, स्वादानुसार नमक, टोस्ट सेकने के लिए तेल और 4-5 ब्रेड। टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मलाई को अच्छे से फेंट लें, उसमें सूजी मिला दें। सूजी मिलाने के बाद उसे 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे सूजी अच्छे से भीग जाए। अगर बहुत गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा इसमें दूध मिला सकते हैं। सूजी भीग के तैयार हो गई है। इसमें हम सब्जियां मिला देंगे, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, सब कुछ डाल के अच्छे से मिला लेंगे। नमक और काली मिर्च भी मिला देंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको ब्रेड के ऊपर लगाना है। मिश्रण तैयार हो गया है, इसे ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। अच्छे से एक पतली लेयर लगानी है। किसी नॉन स्टिक तवे को गरम करके हल्का सा तेल डालेंगे। तवा हल्का गरम हो जाएगा तब हम इस पे ब्रेड, जिधर हमने मिश्रण लगाया था उस तरफ से तवे के ऊपर इसको डाल देंगे। एक बार में हम 2 टोस्ट सेक सकते हैं। आंच बहुत धीमी रखनी है, नहीं तो सूजी जल जाएगी। इसे हल्के हल्के से दबा के सेकते रहिए, जिससे सूजी अच्छे से पक जाए। जब सूजी एक तरफ से पक जाएगी तो हम ब्रेड को पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी ब्रेड को सेक लेंगे। सूजी पक गई है, गुलाबी हो गया है। अब इसे दूसरी तरफ से सेक लेंगे। दूसरी तरफ से थोड़ा करारा हो जाने तक सेकेंगे। दूसरी तरफ से भी ब्रेड क्रिस्पी हो जाए तो उसे पलट के देखेंगे। क्रिस्पी हो गई है, हम गैस बंद कर देंगे। हमारे सूजी के टोस्ट तैयार हो गए हैं। सूजी के टोस्ट तैयार हो गए हैं। इसे टमाटर सॉस के साथ परोसे। टमाटर सॉस के साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, बच्चों को तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं।